नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार, एक बार फिर से आप सब दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन का पेपर। लगभग इसमें 40 क्वेश्चन है ट्रेड थ्योरी के, तो ये क्लियर करेंगे। साथ दोस्तों, अगर आप पहली बार आईटीआई सीबीटी एग्जाम दे रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका एक ही पेपर लगेगा, जिसमें आपकी ट्रेड थ्योरी, इम्प्लीमेंटरी स्किल और वर्कशॉप क्यों साइंस, तीनों सब्जेक्ट एक ही पेपर में आएगी, ध्यान रखना। जहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के, 20 क्वेश्चन इम्प्लीमेंटरी स्किल के, 20 आपके वर्कशॉप क्यों साइंस के, इस प्रकार 80 क्वेश्चन है टोटल। तो मैं यहाँ पर ओनली आपका वर्कशॉप क्यों साइंस का ही पेपर हल करूँगा, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो इम्प्लॉयटी स्किल और वर्कशॉप क्यों साइंस का पेपर अलग से हल करेंगे। साथ ही जैसे हम ये पेपर अपलोड करेंगे, तो इसके जस्ट बाद में 5-7 मिनट बाद में टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपकी पीडीएफ फाइल ये पेपर के डाल देंगे। तो दोस्तों, अगर आप आईटीआई सीबीटी एग्जाम के ये पेपर चाहते हो, तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपर अवेलेबल है। साथ ही अगर आप सभी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस करना चाहते हो, तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस कराया हुआ है। साथ ही अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एग्जाम में टाइम बहुत कम है, तो एग्जाम से पहले हमारे पास जितने पेपर अवेलेबल है वो पूरे कराने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते, ज़्यादा वक्त खराब ना करें। और आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आप क्या है, आपका पहला क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी इसको बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए हम धातु की चादर का उपयोग करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी इसका। यानी दोस्तों, यहाँ पर राइट दिखा देगा, राइट में आएगा आपका हरा आएगा, और अगर गलत है तो यहाँ पर रेड आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। क्वेश्चन अगला है आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला क्या आपका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल हेड ड्रिल मशीन में प्रयुक्त ड्रिल बिट का अधिकतम आकार कौन सा है। तो बता दो, इसका अधिकतम आकार कौन सा होता है, तो वो दोस्तों 6.5 mm होता है। कितना होता है, 6.5 mm होता है। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, 3 टर्मिनल नकारात्मक वोल्टेज रेगुलेटर IC कौन सा है। तो बता दोस्तों, इनमें से कौन सा आएगा, तो दोस्तों ये IC 7905 इसका करेक्ट आंसर आएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों इसका, दोस्तों क्वेश्चन क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर IC LM338K की वर्तमान रेटिंग क्या है। तो बता दोस्तों, इसकी वर्तमान रेटिंग क्या आएगी, तो इसकी आएगी 5 एम्पीयर। करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपका, क्वेश्चन क्या है, तांबे में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना होता है। तो बता दोस्तों कितना होता है, तो तांबे में दोस्तों 0.94 होता है। ये राइट आंसर क्या आएगा, सी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका, विद्युत मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताओ। तो बता दोस्तों, विद्युत मात्रा को किस में मापते हैं, दोस्तों विद्युत मात्रा को हम मीटर से मापते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विद्युत मात्रा को मापने के लिए किस मीटर का कौन सा टर्मिनल जुड़ा हुआ है। तो बता दोस्तों, कौन सा टर्मिनल जुड़ा हुआ होता है, तो इसमें इनपुट टर्मिनल जुड़ा हुआ होता है। यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपका, PMM मीटर का पूर्ण रूप क्या है, यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो बता दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, तो डी इसमें करेक्ट आंसर है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, डी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका, ट्रिगर सर्किट में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। तो बता दोस्तों, किस प्रकार की होगी, तो वो स्क्वायर वेव होगी। यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका 11 नंबर, और क्वेश्चन क्या है, एक जॉइंट टांका लगाने के लिए कौन सा कदम महत्वपूर्ण है। तो बता दोस्तों, कौन सा कदम होता है, तो जोड़ को गर्म करना। यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, और क्वेश्चन क्या है, किसी जॉइंट को टांका लगाने के लिए किस संबंध सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम फ्लक्स का उपयोग करेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या है, इसमें बी। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका, क्वेश्चन क्या है, मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर का नाम क्या है। तो बता दोस्तों, इसका नाम क्या आएगा, तो ये मल्टी ट्रिम पार्ट्स होता है। यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है, रजिस्टर R2 भर में वोल्टेज V2 ड्रॉप क्या है। तो बता दोस्तों, इसमें ये क्या है, तो ये आपका 60 वोल्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, क्वेश्चन पंद्रह है दोस्तों आपका कौन सा सर्किट रिपल वेव फॉर्म का उत्पादन करता है? तो बता दोस्तों कौन सा वेव करेगा, तो फिल्टर सर्किट करेगा, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, बड़े लोड करंट आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार के रिपल फिल्टर सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए हम कैपेसिटर इनपुट फिल्टर प्रतिपथ का उपयोग करते हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन 17 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका, सर्किट आरे का नाम क्या है? तो बताओ इस सर्किट आरे का नाम क्या है, तो इसका ब्रिज रेक्टिफायर है, यानी चार प्रतिरोधकों को संयोज कर, यानी चार डायोडों को या चार प्रतिरोधकों को संयोज करके एक विशेष प्रकार का परिपथ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वेलस्टोन ब्रिज यानी सेतु दृष्टिकारी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन आपका अगला है दोस्तों, पूर्ण लोड की स्थिति के साथ जेनर डायोड के माध्यम से करंट क्या है? तो बता दोस्तों इसके माध्यम से करंट क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों बी यानी न्यूनतम रहेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, एसएमपीएस ने कंप्यूटर मदरबोर्ड को कौन सा संकेत भेजता है? तो बता दो कौन संकेत, तो गुड पावर संकेत भेजता है, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर में ब्लॉक अक्ष का नाम क्या है? तो बता दो क्या नाम होता है, तो एक्यूमुलेटर नाम होता है, इसका करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किया जाता है? तो बता दो कौन सा किया जाए, तो सामान्य एमिटर कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, दिखाया गया है कि कौन सी ट्रांजिस्टर विशेष रूप से VEB बनाकर IB के विरुद्ध प्लॉट को दर्शाती है? तो बताओ दोस्तों कौन सी दर्शाएगी, दोस्तों इसमें दर्शाएगी आपका सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की इनपुट विशेषता, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन आपका, ओम कलेक्टर एम्पलीफायर का वर्तमान लाभ क्या है? तो बताओ दोस्तों इसका वर्तमान लाभ क्या है, तो बहुत ऊँचा है, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन 24 नंबर है, एक सामान्य बेस एम्पलीफायर करंट गेन क्या है? तो बता दोस्तों क्या है, तो वो एक से कम होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिस्टर BC147 के लिए बेस वोल्टेज का अधिकतम उत्सर्जन क्या है? दोस्तों तो वो 6 वोल्ट होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है एकीकृत सर्किट की सीमा क्या है? तो बता दोस्तों क्या होती है वो, तो वो होती है दोस्तों बड़े मूल्य के कैपेसिटर प्रतिरोधकों को गड्ढा नहीं जा सकता, तो करेक्ट आंसर सी आएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 555 IC के लिए अधिकतम शक्ति अपव्यय क्या है? तो बता दोस्तों क्या वो, तो वो लगभग आपका 600 मेगावोल्ट है, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन है आपका, AD कन्वर्टर की गुणवत्ता के प्रदर्शन का निर्धारण करने के लिए, यानी AD कन्वर्टर की गुणवत्ता का प्रदर्शन का निर्धारण करने के लिए प्रमुख कारक कौन सा है? दोस्तों तो वो होता है दोस्तों गति और रैखिकता, यानी करेक्ट आंसर इसमें सी आएगा दोस्तों। क्वेश्चन 29 नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका, किस प्रकार के सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये डायग्राम दिखा है, तो इस किस सर्किट का करा है, तो RC फेज शिफ्ट ओसिलेटर का करा है, यानी करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, डी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन आपका, क्लिपिंग सर्किट के लिए आवश्यक बुनियादी घटक क्या है? दोस्तों तो दोस्तों उसके लिए होते हैं डायोड रजिस्टर, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, 31 क्वेश्चन है दोस्तों, विशेषताओं वक्र पर अक्ष के रूप में चिन्हित क्षेत्र का नाम क्या है? तो बताओ दोस्तों क्या नाम है इसका, तो इसका नाम दोस्तों नकारात्मक प्रतिरोध क्षेत्र, यानी करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, डी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है कैसे गेट JFET बायस्ड है? तो बताओ दोस्तों कौन से गेट है, तो वो रिवर्स बायस्ड गेट है, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है दोस्तों, SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर निर्माण में PN जंक्शनों में कितनी परत उपयोग की जाती है? तो बता दो कितनी परत, तो उसमें 4 परत 3 जंक्शन होते हैं दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा।
क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है एमोसफिट निर्माण किस प्रकार का संकेत है, तो बता दोस्तों किस प्रकार का संकेत है, तो दोस्तों वो डयूल गेट मोसफिट होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा, बीस का करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उच्च अंत आवश्यकताओं के लिए LDR बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो बताओ दोस्तों किस सामग्री का उपयोग करेंगे, तो उसके लिए हम लीड सिलेनाइट का उपयोग करेंगे, यानी करेक्ट आंसर बी आएगा, इसका करेक्ट है आंसर। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन आपका, यदि एकल रंग LED के लिए न्यूनतम अग्रेसिव वर्तमान क्या है, तो बताओ दोस्तों क्या आएगा इसके लिए, तो इसके लिए आएगा 20 मिली एम्पियर, यानी करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपका, लाल रंग LED के लिए विशिष्ट आगे वोल्टेज ड्रॉप क्या है, तो दोस्तों इसके लिए 1.8 वोल्ट, यानी करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन 38 नंबर है दोस्तों, और क्वेश्चन आपका, LED डिस्प्ले को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले 7447 BCD से 7 सेगमेंट्स डिकोडर में कितने इनपुट होते हैं, तो दोस्तों उसमें 4 होते हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा, 20 का करेक्ट आंसर आएगा, यानी राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, TTL चिप का प्रयोगशन डिले क्या है, तो दोस्तों वो होता है आपका 10 ns, यानी करेक्ट आंसर सी। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डेटा ट्रांसमिशन में फंक्शन के लिए किस IC का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों उसके लिए हम IC का उपयोग करते हैं आपकी 74LS138 का उपयोग करते हैं, करेक्ट आंसर राइट आंसर क्या आएगा आपका सी। तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं ट्रेड थ्योरी के फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रिशियन के, और नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशॉप क्वेश्चन का आएंगे, फिर इम्प्लॉयर यानी तीनों पेपर लिखेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, न्यू क्लास तब तक।